नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं शिवा आपके साथ। आपने खबर जरूर सुना होगा कि ईडी की रेड पड़ी है संजय सिंह के घर पर आज सुबह सुबह। तो आज सवाल हमारे होंगे, फैसला आपका होगा। देश की राजधानी दिल्ली में राजनीति का पारा हमेशा हाई रहता है। ये राजनीति तब और बढ़ जाती है जब केंद्र में और राज्य में अलग अलग सरकारें होती है। पिछले कुछ सालों में देखा गया, जब से केजरीवाल ने दिल्ली की कमान संभाली है, चूहे बिल्ली जैसी लड़ाई ज्यादा ही बढ़ गई है। केजरीवाल सरकार के मंत्रियों का जेल आना जाना लगा रहता है। आपने देखा होगा कि पहले शराब घोटाले में सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में रोटियां तोड़ रहे हैं, और अब आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर भी इसी सिलसिले में आज सुबह खबर आई कि ईडी ने रेड मारी है। पर लोगों के मन में सवाल है कि आखिर संजय सिंह के घर पर रेड क्यों मारी गई है? बीजेपी ने अपना तर्क दिया है, वहीं आप और संजय सिंह के पिता ने अपना तर्क दिया है। चलिए आपको दोनों पक्षों के तर्क को सामने रखते हैं और आप ही फैसला लीजिए कि क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये रेड पड़ी है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा कि संजय सिंह लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कारोबारी गौतम अदानी का मुद्दा उठा रहे थे, उनके ऊपर इसी वजह से छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तानाशाही चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। बता दें कि संजय सिंह ने राज्यसभा में अदानी मामले का मुद्दा उठाया था। उन्हें इस पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का सपोर्ट भी मिला था, और इसी पर पलटवार करते हुए आपने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है। वहीं इस मुद्दे पर संजय सिंह पर की गई कार्रवाई पर उनके पिता का भी बयान सामने आया। संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह ने कहा कि संजय सिंह देर रात घर आए, मैंने इन सभी लोगों को चाय पानी भी ऑफर किया, हमने कहा कि आज एक दिन में अपनी जांच पूरी कर लीजिए। उन्होंने कहा कि विभाग अपना काम कर रहा है, हम उनका सहयोग करेंगे। मणिपुर पर कार्रवाई नहीं हो रही जबकि संजय सिंह पर हो रही है, ये बदले की कार्रवाई नहीं है तो क्या है? उन्हें बदले की भावना से राज्यसभा से सस्पेंड किया गया, वो भी पूरे सत्र के लिए ऐसा किया गया। उन्होंने कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। वही संजय सिंह पर ईडी की कार्रवाई के बाद अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि शराब घोटाले में संजय सिंह का नाम सामने आ रहा था, उन्होंने शराब घोटाले में पैसा खाया और अब घोटाला किया है तो जवाब तो देना होगा। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संजय सिंह ने शराब घोटाले में करोड़ों रुपए कमाए थे, इसलिए ही उन पर कार्यवाही हो रही है। जो लोग भी शराब घोटाले में शामिल है, इनमें से कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि इस कार्यवाही पर सभी पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। लाजमी है इस मुद्दे पर राजनीति भी होनी है, और जो शायद हो भी रही है। आम आदमी पार्टी जहां इसे बदले की कार्यवाही बता रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि संजय सिंह के घर पर हुई ईडी की रेड को में क्या मिला। देश में जनता की अदालत को ही सबसे बड़ा अदालत माना जाता है। हमने आपको सभी पक्षों की बातों से रूबरू करवाया, आप ही हमें बताएं क्या सही है और क्या क्यों ये कार्रवाई हो रही है। क्या ये बदले की कार्रवाई है या आम आदमी पार्टी की कोई सहभागिता है शराब घोटाले में जिसकी वजह से लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है। तो ये थी पूरी जानकारी संजय सिंह पर हुए ईडी की रेड पर। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें न्यूज रूम पोस्ट को।